फिर उसने अपनी फाइल जज आंटी को दी और कहा कि वो अर्जुन की मौज है। जब देव की मौज? आपको देव की मौज के बारे में पता है? हाँ, मौज ने बताया था। फिर क्या हुआ? तो फिर कुछ नहीं, जज आंटी ने कहा सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो कल वापिस सब मिलेंगे। अर्जुन बेटा खाना रेडी है, आप फटाफट खाना खा लो, फिर विवेक अंकल के घर सोने भी तो जाना है ना। मौज, विवेक अंकल ने बताया आज कोर्ट में क्या हुआ। अच्छा, और तुझे क्यों जानना आज कोर्ट में क्या हुआ? क्योंकि ये मेरा केस है, मेरे लिए सोया मौज और देव की मौज फाइटिंग कर ले, तुझे पता होना चाहिए ना। अच्छा मेरी दादी अम्मा, बहुत बड़ी हो गई हो आप। क्या हुआ बेटा, कहाँ जाना है? देखो मौज, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, बहुत जल्दी आपसे भी बड़ी हो जाऊंगी। क्या हुआ मौज, आपको टेंशन हो रही है कि मुझे देव की मौज ले जाएगी? डोंट वरी मौज, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आपकी पुग्गी और उसका प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। आप जाके खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा ना। मैं देखती हूँ कौन है। सोच क्या हुआ होगा? आपकी एक्साइटमेंट देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कादंबरी के 5-4 करोड़ आपको ही मिल गए हो। वो तो मिलेंगे ही, लेकिन आज उससे भी बड़ी चीज हुई है। ऐसा क्या कर दिया आपने? रितेश मल्होत्रा की पहली बार बोलती बंद कर रही है। कैसे? बहुत जोश में आया था मुझसे झगड़ा करने के लिए, लेकिन ऐसा जवाब दिया कि मुंह खुला का खुला रह गया उसका। रितेश मल्होत्रा की आंखों में पहली बार हार देखी है मैंने, उसकी फेवरेट चीजें छीन रहा हूं और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। आई स्वेयर ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत फुल ऑन आसमान छू रही है। एक तरफ रितेश मल्होत्रा की हार और दूसरी तरफ कादंबरी की जीत। कादंबरी की जीत से आपको क्या फायदा? जून और पैसा तो कादंबरी को जाने हैं ना। तुझे मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? ये सब मैं उसके लिए फ्री में कर रहा हूँ। प्लान सेट है बॉस, पहले इस केस में उसकी हेल्प करके उसका टेस्ट जीतूंगा, फिर शादी के लिए उसको प्रपोज करूंगा, और जहां शादी हुई नहीं सारा पैसा मेरा। वाह क्या बात है, क्या बात है मेरे शेर, आपने तो बड़ा आगे का सोच रखा है। ऑफ कोर्स, सीखा किससे है? कामना मल्होत्रा। इंदु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, सो प्लीज जाओ। हाय, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आपका इतने दिनों से, मैं आपको कितना मिस कर ली थी। मौज भी बिजी थी ना, इससे मैं आपको मिलने नहीं आ पाई। जीने थे? हाँ बेटा। आपको पता है पहली देव की मौज मुझे लेने आ रही है। जून, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है बेटा, जाओ जाके खाना खा लो। मैं बात में जाती हूँ ना, मुझे जीनी रितेश से कुछ बात करनी है। जीनी रितेश को कुछ अर्जेंट काम है बेटा, उन्हें जाना होगा, तब तक तुम खाना खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा ना। मौज, चलो जू। बाय जीनी रितेश। बाय बेटा। इंदु, इंदु मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद। ये क्या नया नाटक शुरू किया तुमने रितेश? कोई नाटक नहीं है, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ। रितेश बहुत हेल्प कर दी है तुमने मेरी सीए सेंटर में कंप्लेन करके, तुम्हारी और हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दो रितेश।
मेरी बात तो सुन। देखो रितेश, मैं समझती हूँ रितेश कि तुम जून से बहुत प्यार करते हो, उसका बेस्ट चाहते हो, लेकिन तुम्हारे इस पागलपन की वजह से ना मुझे और जून को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तुम्हें और तुम्हारे इस ऑब्सेशन को। सो प्लीज जाओ यहाँ से। हिंदू, हिंदू प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो यार। क्या पागल लड़की है, किसी की बात ही नहीं सुनती। Cheers. Cheers. वैसे congratulations. तुम अपने मंजिल के एक स्टेप और क्लोज आ गई हो। Touchwood. Don't worry. ये केस तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जीत सकता। Thank you. Thank you मुझे बोलना चाहिए जो तुमने मुझे यहाँ पर invite किया। And I must say तुम्हारा घर काफी खूबसूरत है। It's beautiful. Thank you. तुमने मुझ पर इतनी जासूसी की, फिर भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मान ही लेती हूं। मैंने जासूसी कहां करी? वो तो मैं तुम्हारे ऑफिस से बाहर निकल रहा था, तुम्हारी लॉयर की बातें सुन ली। इफ यू से सो, अगर तुमने जून की बातें सुनी थी तो तुमने प्रॉपर्टी की बात भी सुनी ही होगी। आई न्यू इट। हाँ, छोड़ गए हैं मेरे डैड मेरे लिए 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जून के नाम पर, जो मुझे जून के जरिए ही मिलेगी। इसीलिए मुझे जून की कस्टडी चाहिए, बाकी मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। मेरा बस चलता तो शायद मैं उसे पैदा ही नहीं होने देती, लेकिन अबॉर्शन के लिए बहुत लेट हो चुका था। उस आदमी ने मेरे साथ जो किया उसके बाद उसकी या उसके किसी भी निशानी की शक्ल नहीं देखना चाहती थी मैं। इसीलिए जून को पैदा होते ही छोड़कर भाग गई थी मैं। जून को देखती हूँ ना तो मुझे मेरे उस पास्ट की याद आती है जिसे मैं बड़ी मुश्किल से भुला चुकी हूँ। आई हेट हो। मुझे बस मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद ये लड़की जिए या मरे आई डोंट केयर। जैसे मैं अपने फायदे के लिए जून का इस्तेमाल कर रही हूँ, तुम भी कुछ अलग नहीं हो। आई नो कादम्बरी, हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं कहूँगा भी नहीं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। आई नो टाइम के साथ साथ तुम मुझ पर ट्रस्ट करने लगोगी। तुम्हें जून चाहिए, मिल जाएगी। जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, मैं वैसे तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद तुम मुझे अपना दोस्त समझो या अपना दुश्मन, दैट्स योर कॉल। Cheers to Zoon. Cheers. मैं उसे, I mean, हम उसे इंदु रैना से छीन कर रहेंगे। जीता रहा बेटा। I'm sorry. सॉरी क्या बाबूजी? कादंबरी के बारे में बता देना चाहिए था तुझे। इट्स ओके बाबूजी, जो हुआ सो हुआ। अब हमें आगे की सोचनी चाहिए। मुझे देवी माँ पे पूरा भरोसा है, वो सब सही कर देंगे। ठीक है बेटा, तू कोर्ट कब जा रही है? बस जून का ही वेट कर रही थी, एक बार जून आ जाए उससे मिलके फिर मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। कैसी हो इंदु? सॉरी, वो दरवाजा खुला था तो सीधे अंदर चली आई। कादंबरी यहाँ क्या कर रही हो तुम? जून से मिलने आई हूँ। भूल गई तुम? कोर्ट ने परमिशन दी थी ना कि तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के मौजूदगी में मैं जून से मिल सकती हूँ, तो उसी से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? कादंबरी क्यों कर रही हो तुम ये सब?
अगर तुम्हें सच में जून की परवाह होती ना तो जून को वैसे अकेले छोड़ के भागती नहीं। क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या चाहती क्या हो तुम? हिंदू, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, पर तुम भी मेरी सिचुएशन समझो ना। बस बस, कुछ नहीं समझ रहा और ना सुनना है। जो समझना था ना 6 साल पहले समझ लिया। प्लीज आप जाइए यहाँ से। अंकल, आप भी मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? उस रात मैं कमजोर पड़ गई थी, डर गई थी मैं। तब मुझे जो समझ में आया मैंने किया, पर फौरन मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैं अपनी फिर से झूठ 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 कादंबरी। 6 साल से ढूंढ रही थी ना तुम जून को? अगर सच में ढूंढ रही होती ना तो आज तक जून मिल जाती तुम्हें। 6 साल कम नहीं होते कादंबरी। एग्जैक्टली इंदू, 6 साल कम नहीं होते। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जून की कोई फिक्र नहीं थी? पिछले 6 सालों से मैं उसे ढूंढ रही हूँ दिन रात। ये वक्त मैंने कैसे बिताया है अपनी बेटी के बिना मुझे ही पता है। और कैसे ढूंढती मैं उसे बताओ? कहीं भी उसकी कंप्लेन लिखी थी? कभी उसके एडॉप्शन के लिए अप्लाई किया था? कैसे पता चलता मुझे उसके बारे में, बताओ आप लोग। देखो इंदु, मैं यहाँ तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करने आई, मैं बस अपनी बेटी से मिलने आई। जून तुम्हारी बेटी नहीं है। उसे बेटी कहने का हक तुमने उसी वक्त खो दिया था जिस वक्त तुमने उसे जन्म देकर मेरे गोद में छोड़कर भाग गई। उसे अपनी बेटी नहीं, जून बुलाओ। ओके, जून से मिल सकती हूँ? कहाँ है वो? जून, जून बेटा। Good morning, Maj. Hi, Zoon. Sorry. मौज ने कहा है अंजन लोगों से बात मत करना। मैं अनजान नहीं हूँ बेटा। तो फिर आप कौन हो? मौज, ये कौन है? फुग्गी, मैंने आपको बताया था ना देव की मौज के बारे में। ये आपकी देव की मौज है। पर मौज ही देव की मौज कैसे हो सकती है? आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने तो कभी ऐसे किसी को साड़ी पहनते हुए नहीं देखा। बाल भी बहुत गंदे हैं। आपकी मौज आपके बालों में तेल नहीं लगाती? फुग्गी, ये क्या कर रही हो तुम? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? सॉरी मौज, मैं तो वो ही कह रही थी जो मुझे दिख रहा है। आप मेरी मौज को देखो, कितनी अच्छी लग रही है। I'm sorry, but आप मुझे अच्छी नहीं लगी। जून, जून। हाँ, हिंदू, मैं देखता हूँ। I'm sorry, जून की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। Sorry क्यों बोल रही हो? एक तरीके से तो अच्छा ही हुआ। जून की बातों से पता तो चला किस तरीके की परवरिश हो रही है मेरी बेटी की। 6 सालों में कितना बदतमीज बना दिया है तुम लोगों ने उसे। ये बात मैं कोर्ट में जरूर बोलूंगी। पिछले 6 साल हम दोनों के लिए काउंट हो रहे हैं। तुम्हें जिससे जो कहना है ना कह दो, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीत तो मेरी होनी है। ये तो वक्त ही बताएगा इंदु। इंदु रायना अब सीधे कोर्ट में मिलेंगे।
मैं कमल मैम। मिस्टर रितेश आइए। थैंक यू मैम। वैसे मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, वक्त के बहुत पाबंद है आप। मैंने तो सुना था सुपरस्टार्स हमेशा लेट आते हैं। गलत फहमियां हैं मैम लोगों को, क्या करें। वैसे ऐसा कौन सा काम आ गया कि आपको मेरी सीनियर से कॉल करवाना पड़ा। ही इज माय मेंटर, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। मैम अर्जेंट था इसीलिए, वो मुझे जून के बारे में आपसे बात करनी थी। जून मतलब इंदूर है ना केस, राइट? यस। कहिए। मैम वो बच्ची बहुत छोटी, वो ठीक से चल भी नहीं पाती। आप देखिए वो क्रचेस पहनती है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक ना मेरे पापा ना मेरे मौज। मौज? मम्मी, मेरी मम्मी भी नहीं है। ये जून है? जी मैम, आप जानती हैं इसे? हाँ मिली थी कहीं। वैसे आप कुछ बता रहे थे? मैं जून की माँ के बारे में बात करना चाहता था, इंदू। मिस्टर रितेश, अगर आप इंदू रैना या कादंबरी पटेल की तरफदारी करने आए हो तो प्लीज यू हैव टू लीव, क्योंकि हमारे भी कुछ एथिक्स होते हैं और उन एथिक्स को मैं फॉलो करती हूँ। मैं मेरा केस किसी से भी डिस्कस नहीं करती, और बात अगर बच्चों की हो तो मैं सिर्फ बच्चों के बारे में ही सोचूंगी, उस बच्चे की खुशी के बारे में सोचूंगी, ना कि इंदू रैना या कादंबरी पटेल के बारे में। और जिस बच्चे की आप फोटो दिखा रहे थे ना अभी, मैं उसे मिली हूँ। आप जून से मिली हैं? जी हाँ, कुछ दिन पहले की बात है। वो बेचारी लड़की अकेली सड़क क्रॉस कर रही थी, मैं खुद उसे पुलिस स्टेशन छोड़ के आई हूँ। सड़क क्रॉस कर रही थी अकेले? मतलब जब जून सीए सेंटर से भागी थी तो इनसे टकराई होगी। मैम आप गलत समझ रही हैं, वो इंदू। मिस्टर रितेश आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप मेरे मेंटर के सिफारिश से आए हैं, इसलिए मैं आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज लीव प्लीज। थैंक यू मैम। नोट कर लूंगी मैं तुम्हारे घटियापन की नई हद। व्हाट, चुप क्यों रहे हो? यही तो करते हो तुम पावरफुल लोग। जब सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती तब तुम अपने पावर्स और रिसोर्सेज का यूज करके उन्हें अपने कंट्रोल में लेकर आते हो, राइट? क्या बोले जा रही हो तुम? वही बोल रही हो जो तुमने अभी किया। जज को पैसे खिलाने गए थे ना, कितने पैसे खिलाए? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? हा? तुम गलत समझ रही हो। इनफैक्ट गलत तुम्हें पहले थी, जब मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। दरअसल वो मेरा वहम था, असलियत में तुम ये हो। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन एक माँ की ममता को तुम हरा नहीं पाओगे। मेरे प्यार और भरोसे के आगे तुम्हारी सारी दौलत फीकी पड़ जाएगी। अब कैसे समझाऊं इस पागल लड़की को कि मैं जज को मिलने क्यों गया था?